हेलो एवरीवन दिस इज योर मास्टर टीचर गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल टाइम एंड स्टडीज is दिस इज management वीडियो ना आपको पता है कि स्कूल में आपके पास बहुत सारा काम होता है आपको स्कूल भी जाना होता है जो आपके दो बजे तक का पूरा दिन ले लेता है उसके बाद आप आते हो आपका ट्यूशन भी होता है आपको बाहर खेलने भी जाना होता है आपको होमवर्क भी खत्म करना होता है तो पढ़ाई कब करे हम लोग प्लान कब करें कैसे अपना टाइम मैनेज करे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काम हम निकाल पाए इन लिमिटेड टाइम आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी टू वीडियो इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है और कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है ठीक है जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं किया है आपके लिए हमने शुरू किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल पे मैराथन सेशन शुरू हो गए इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ सेशंस सब्सक्राइब All right, one always has time enough if one will apply it well. It's all about applying time. सबके पास उतना ही टाइम है पैसे की तरह टाइम नहीं है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है नहीं सबके पास 24 घंटे हैं चौबीस घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सिर्फ हमारे ऊपर है एंड यू नो आजकल द थिंग इज कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है यही टेक्नोलॉजी हमारा टाइम खाती भी है क्योंकि हम स्क्रॉलिंग करते हैं हम रील्स देखते हैं और यही टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है इन सेविंग टाइम एंड यूटिलाइजिंग टाइम प्रॉपरली है ना तो हमको टेक्नोलॉजी को बड़ा ध्यान से यूज करना है इन दिस एंटायर तो चलो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द इमेंट पॉइंट सबसे पहले सेटिंग योर प्रायोरिटी चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है से आप सुबह उठते हो सात बजे ठीक है यू एकवन आप उठते हो आप, आप नाश्ता वास्ता करते हो जो भी करते हो एंड यू लीव स्कूल बाय एट एट थर्टी या फिर कुछ बच्चे साढ़े सात बजे ही चले जाते होंगे वापस आते पी तक तो ये ये वाला जो टाइम है ये मैं काउंट ही में, जब आपको पढ़ा रही है sure कि आप, फोकस से पढ़ रहे हो, कि आप क्लास में बेसिक नोट्स बना रहे हो अबाउट द टीचर इज टीचिंग यू क्यों क्योंकि अगर आपने ये स्कूल टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया तो आपको खुद जो पढ़ाई करनी है उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल लेटा से कि साइंस में आप बायोलॉजी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो जो भी आपका चैप्टर है जो भी आई डोंट नो व्हाट यू गाइस स्टडी एसएसटी पे आते हैं कि लेट अस से ऑफ स्टडीिंग वन चैप्टर अब मैम ने जो आपको बोला आपने बेसिक अपने नोट्स बनाए अब उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपके लिए वो नया नहीं होगा है ना लेकिन अगर आपने ये जो स्कूल टाइम है फ्रॉम यू नो सिक्स सेवन आवर्स ऑफ स्कूल टाइम अगर आपने उसमें फोकस नहीं किया अगर आप मस्तीगिरी कर रहे हो अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको बाकी टाइम पे काफी प्रेशर आ जाएगा क्योंकि आपको चैप्टर शुरू से खुद पढ़ना होगा तो मेक श्योर की ये जो टाइम है जिसमें आप स्कूल जो आप स्कूल में बिता रहे हो उसको आप ठीक से यूटिलाइज कर रहे हो स्कूल में बहुत बार ना फ्री पीरियड होता है फ्री टाइम होता है जैसे जीरो पीरियड हो गया या कोई टीचर एबसेंट हो गई अब उस समय ऑब्वियसली बतमान बन करता है कि आप

करता दोस्तों के साथ खेलने का तो वो टाइम मिल जाए मुझे दैट इज वाई यूज टू कम्प्लीट माई वर्क इन स्कूल इथ तो जो स्कूल के घंटे हैं इसको बस स्कूल के घंटे मत समझो थोड़ा सा अवेयरनेस और आ, होता है ना दिमाग लगा के पढ़ाई करो स्कूल में जिसे घर आके इतना ज़्यादा आपको फोकस ना करना पड़े ठीक है अब हम आते हैं बाकी जो घंटे दो बजे आप आओगे खाना खाओगे आराम करोगे सो टू वाला पीरियड जो है इसको भी मैं मानती हूँ अच्छा, हमारा बॉडी इस तरीके से काम करता है ना कि बायोलॉजिकली टू टू थ्री थर्टी वाला पीरियड में हमारा बॉडी को नींद आती है वी वॉन्ट टू फीड आर बॉडी एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस ठीक है तो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है थ्री थर्टी टू सिक्स पी एम टाइम फोर थर्टी फाइव थर्टी टू एंड हाफ आवर्स का ये जो गोल्डन पीरियड है इसमें आपको पढ़ाई करनी है ठीक है आप पढ़ाई कैसे करनी है कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसमें हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे एंड दैट इज योर सेट योर प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है साइंस ठीक है उसके बाद एस उसके बाद मैथ्स मैथ्स आसान लगता है और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और हिंदी वगैरह वगैरह वो आपको सबसे लगता है कि आखिर में भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा ठीक है तो जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम देना होगा इन अ वीक तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाँच दिन की बात करो मंडे ट्यूसडे वे थर्सडे फ्राइडे जब आप स्कूल जाते हो तो आते ही वो टू एंड हाफ आवर्स में यू टेक अप वन डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड वन ईजी सब्जेक्ट

आपका प्रोडक्टिव आवर्स या आपको जो है पढ़ाई करनी है फिर मैं आपको बोलती हूँ ये point बहुत भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो डिस्ट्रेक्शन है आपका जो खेल है आपको नाचना है आपको गाना है आपको ड्राइंग करना है ऑल ऑफ दैट ट्राई टू फिनिश इट इन दिस वन एंड आवर जो बहुत बड़ा मैं आपको कॉलम दे रही हूँ लेटर से आप ट्यूशन जाते हो तो अगेन गाइज ट्यूशन में आप उसी सब्जेक्ट के लिए जाते होगे जो डिफिकल्ट होता है तो जो ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं वो ट्यूशन में पढ़ लो इसी टाइम पीरियड में आपके टू एंड हाफ आवर्स में ठीक है तो सिक्स टू सेवन थर्टी आपके खेलने का टाइम हो गया खेलने का वापस आके रेस्ट करने का सब कुछ यू हैव टू कंप्लीट इन दिस वन एंड हाफ आवर्स फिर आप अपना डिनर करोगे आठ बजे तक एट पी एम या एट थर्टी से अगर आप शुरू करते हो तो रात के साढ़े दस बजे तक आपका सेकेंड प्रोडक्टिव आवर का टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है फोकस करके पढ़ाई करनी है इसमें आप अपना होमवर्क खत्म कर सकते हो इसमें जो है आप अपना एक और सब्जेक्ट उठा सकते हो चाहे वो एस एस सी हो या फिर कोई और उसके बाद एक्चुअली मैं कहूंगी एट थर्टी टू टेन ठीक है आखिरी का जो आधा घंटा है लास्ट हाफ एन आवर ऑफ योर डे वेरी इंपॉर्टेंट of the entire day. इज आपको पूरे दिन में आपने क्या किया उसको रिव्यू करना है स्पेशली स्कूल में क्या किया लेट्स से स्कूल में आज एक नया चैप्टर शुरू कराया मैथ्स में और साइंस में तो रिव्यू जरूर करना उस आखिरी के आधा घंटा रात में जैसे जब आप अगले दिन स्कूल में जाओ तो आप रिव्यू दिमाग से जाओ और आपके पास और आ, स्पेस हो ब्रेन में फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद रात को सोने से पहले जरूर एक विजुअलाइजेशन टेक्निक करना है जिसमें आग बंद करके आपको विजुअलाइज करना है आपको सोचना है कि ऐसे ही मैं पढ़ता गया तो कैसे मैं टॉपर बनूंगा वेरी वेरी uh, you know, होता है ना एक बहुत अच्छा एक स्टेप होता है यह आपके लिए ठीक इंपॉर्टेंट so तरीके बता दिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना आपके लिए प्रायोरिटी क्या है घंटे मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ने अब वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि अपना हम लोग टारगेट जो है अपने सामने रखें बार बार बच्चों को बोलती हूँ आपका टारगेट क्या है नाइन्टी परसेंट है तो भैया नाइन्टी परसेंट लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा अपने सामने रखो क्लियरली ईयरली so, मैं आपको नहीं बताऊंगी सेट योर प्लान बिकॉज यू गैज आर टू यंग फॉर दैट बट मंथली प्लान जरूर बताओ कि ठीक है यार दिसंबर में हमारे फाइनल एग्जाम्स है प्री बोर्ड है या जो भी है तो इन महीनों में मुझे इतने चैप्टर्स हर महीने करने पड़ेंगे तो हर हफ्ते कितना पढ़ा करना पड़ेगा और हर दिन मैं क्या करूंगा क्या अचीव करूंगा इट इज नॉट अबाउट मेनी योर हो सकता है एक दिन आपको 11 बजे की जगह रात के एक बजे तक भी पढ़ना पड़े इट इज अबाउट वॉट यू आर अचीविंग इन दोज आवर्स आप उन घंटों में क्या अचीव कर पा रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमेशा अपने सामने कैलेंडर रखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कैलेंडर में इन्वेस्ट करो वो कैलेंडर अपने डेस्क पे पे स्टडी टेबल या बिस्तर पे या, या जहाँ भी आप पढ़ते हो जरूर रखो क्योंकि जब आपके सामने दिन आपको दिखते हैं ना यार महीने के इतने बच्चे हैं इतने बच्चे तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार मुझे महीने से पहले ये चैप्टर्स खत्म करने हैं क्लियरली आप डिवाइड कर सकते हो अपने चैप्टर्स को उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाओ अच्छा I'm not saying, बहुत होना इतना की नहीं।, फिर आप फॉलो नहीं कर पाते और डीमोटिवेट होते हो बट जनरल प्रोडक्टिविटी आवर्स में पढ़ाई खत्म करने का प्रयास पूरा करो राइट चलो अब हम आते हैं मोर वर्क इन लेस टाइम जब भी हम बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना शुरू करते हैं हम कुछ अचीव नहीं कर पाते तो बहुत जरूरी है कि आप टारगेटेड पढ़ाई करो

तो उस हिसाब से मैंने कहा ये पांच वीडियोस जो है मुझे बनानी है बच्चों के लिए नोट्स बनाने हैं मैंने सोच लिया और उसके बाद जो है तीन बजे से मेरी पांच बजे तक मीटिंग्स हैं और फिर मैंने कहा कि उसके बाद मैं घंटा रेस्ट करूंगी और उसके बाद मेरी क्लासेस तक तो आई ऑलरेडी हैव मेड डेली टाइम टेबल आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स और टाइम टेबल बनाने की जरूरत है और इनमें आप क्या अचीव करोगे लिखने की जरूरत है राइट द नेक्स्ट टेक्निक टेक्निक का क्या मतलब है कि देखो आप जो हो एक अगर आप लगातार अपने सामने अगर आप पूरा चैप्टर निपटाना है मुझे दो घंटे में तो आप डर जाओगे और आपसे पूरा चैप्टर नहीं होगा इनसे सोचा मुझे अगले आधे घंटे में ये वाला टॉपिक खत्म करना है उस आधे घंटे के बाद मैं पांच मिनट का ब्रेक लूंगा उस पांच मिनट ब्रेक में मैं क्या करूंगा ये भी करके रखो। गेम्स नहीं खेलूंगा क्योंकि पढ़ाई सा स्ट्रेच करूंगा वेरी बिग चैप्टर इन डिफरेंट चंक्स की ये पार्ट है ये पार्ट है और बीच के ब्रेक को भी ध्यान से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनली द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू Is being बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने ये टाइम टेबल के पाथ पे चलना शुरू किया है तो आप कंसिस्टेंट हो बार, बार आप छोटा छोटा अचीव कर रहे हो एवरी सिंगल डे एक दिन में बहुत सारा पढ़ लिया फिर भी मैं आपसे मोटिवेट हो गए और अगले दिन जो गए बिल्कुल फुसी निकल गई आपकी नहीं यू हैव टू डू स्म थिंग छोटा छोटा अचीव करो हर दिन बट कंसिस्टेंट रहो बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनल पे अटेंशन टू हेल्थ आई थिंक इसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि देखो क्लास नाइन क्लास टेन ये बहुत अच्छे एज है टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड शार्प होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाओगे हेल्थी होने के लिए आप पंद्रह मिनट डांसिंग कर सकते हो हु कर सकते हो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू मैं सीख रही हूँ या फिर यू कैन जस्ट गो डाउन फॉर अ वेरी ब्रिस्क वॉक अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो ऑफकोर्स वो बहुत ही बढ़िया बात है बट ट्राई टू टेक फिजिकल एक्टिविटी एवरी सिंगल डेइटरी नहीं पढ़ सकते तो अपने को प्लान करो, क्या करोगे? ऐसा कुछ मत करो जो आपको वापस से एक आ, होता है ना एंडलेसरल में घुसा देगा जिसमें आप कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग किए जा रहे हो किए जा रहे हो ऐसा मत कोई डिस्ट्रैक्शन करो फाइनली अंडरस्टैंड कि आप स्टूडेंट्स हो आप अभी भी सीख रहे हो कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है बड़े बड़े लोग तक नहीं, नहीं सीख पाए हैं तो गिव योर सेल्फ बी काइंड टू योर सेल्फ एंड ट्राई कि आप इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करो कि आपके पास पर्सनल टाइम खुद के पैशन को खुद के हॉबीज को परस्यू कर पाओ जो मैंने आपको बताया इस हिसाब से आप पाँच घंटा दिन में आराम से पढ़ाई को दे पाओगे विच इज़ इनफ इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्कूल और अपने ट्यूशन में फोकस कर पा रहे हो तो ट आई होप आपको सेशन अच्छा लगा वीडियो अच्छा गा लगा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा इंस्टाग्राम भी है सुरभिया